नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया। इस मंत्र का केवल 5 बार जाप किसी गरीब को भी बना देता है करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताएंगे जिसे जाप करने से आप अपनी गरीबी को भूल जाएंगे और दुर्भाग्य आपके घर का रास्ता भूल जाएगा और आप हमेशा धन धान्य से और सुख समृद्धि से संपन्न रहेंगे। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिसका उपयोग यदि आप महीने में 4 बार कर लेंगे तो आपके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों यदि आप भी अधिक से अधिक धन पाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक शनिवार को रात को सोने से पहले 4 लौंग और 1 रुपए का सिक्का चुपचाप से तुलसी के पेड़ के आसपास मिट्टी में गाड़ देना है। दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप इसे घर में भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या तुलसी का पेड़ नहीं है तो आप अपने नजदीक के किसी भी मंदिर में जाकर जहां पर तुलसी का पौधा मौजूद हो वहां पर ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों सिक्का गाड़ देने के बाद और लौंग गाड़ देने के बाद आपको गायत्री मंत्र का, जी हाँ दोस्तों, ओम भूर्भुवस्व तस्तवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस महामंत्र का आपको 5 बार उच्चारण करना है। उसके बाद आपको सुबह उठकर उस लौंग और 1 रुपए के सिक्के को वापस से निकाल लेना है और किसी भी खुले मैदान में जाकर के उसे पीछे की ओर फेंक देना है। और साथ ही साथ आपको अपनी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसके बारे में भी मन ही मन बोलते रहना है। ऐसा आपको इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि इससे दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देता है और आपके रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलें आपके रास्ते में नहीं आती हैं, अलग हट जाती हैं। ध्यान रखें कि आपको यह उपाय बिल्कुल चुपचाप करना है ताकि आपको कोई भी देख ना सके, कोई भी आपको उपाय करते वक्त डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसा करने से आपको धन के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होता है। आप जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आपको उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। धन्यवाद दोस्तों।